दोनों मेरे हीरो एंड बोथ आर माय फेवरेट्स, इसलिए मैं आज सुबह ही बता रहा था कि अगर 10% भी उनके जितना इम्पैक्ट कर सकूँ, इट इज़ माई ड्रीम कम ट्रू बिकॉज बोथ हीरोज। मतलब बहुत मुश्किल से आप अपने आप को किसी भी ब्रांड से एसोसिएट करते हैं, मतलब द रीज़न यू नो एसोसिएट योरसेल्फ विद जी। ये मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि GM मेरे साथ एसोसिएट हुआ, क्योंकि मेरी एसोसिएशन उस वक्त हुई जब मैं फिल्में कर भी नहीं रहा था, मैं ब्रेक पे था, सबैटिकल था, ख़राब फिल्में आई थी मेरी, और जनरली एक ब्रांड तब जुड़ता है एक एक्टर से जब वो बिकता है, क्योंकि द वर्ल्ड ऑपरेट्स लाइक दैट, एंड मैं इतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हमेशा रहा हूँ कि, तो मैं एक दिन फ्लाइट पे था और जयंत और राजेश भाई मेरे साथ थे, और ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बोला हमारी ब्रांड है, आप जुड़ोगे क्या? आई सेड ऑफ कोर्स जुड़ूंगा, क्यों नहीं जुड़ूंगा। लेकिन जब प्लेन से उतरे और मुंबई पहुंचे तो वाकई फ़ोन आया कि हम जुड़ना चाहते, और तब से मैं जुड़ा, और मैं एज एन एक्टर नहीं जुड़ा, एज ए फैमिली जुड़ा। अच्छे टाइम में मैं हमेशा कहता हूँ कि सब साथ रहते हैं, लेकिन जब टाइम किसी का, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम अच्छा न चल रहा हो और कोई साथ जुड़ता है, विच मीन्स इट्स अ रिलेशनशिप, और ये मियाँ बीवी जैसे रिलेशनशिप होता है कि बीवी को खामियाँ भी पता है, सब कुछ पता है, फिर भी हमेशा जुड़े रहती है, बच्चों को संभालते रहते हैं। सो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन GM एंड मी, एंड इट्स ब्यूटिफुल, क्योंकि GM के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ GM के डायरेक्टर्स और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डाउन द लाइन अगर आप देखोगे तो GM की एंटायर फैमिली है, व्हिच इज सुपर। आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं अन्ना की बात करता हूँ, अन्ना इज वेरी ऑनेस्ट, ब्लंट जो है वो कह देते हैं, मीडिया ग्रुप उस टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन योर ब्रांड कितना कनेक्ट है आपकी, ये ऑनेस्टी की बात है कि जो है वो कहा जा रहा है। अन्ना जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं, उनके सारे अल्फाज दिल से ही निकलते हैं। ही इज़ ट्रूली ऑनेस्ट पर्सन, ग्राउंड टू द अर्थ, ही इज़ ग्रेट पर्सनालिटी। सो अन्ना व्हाइल टॉकिंग टू यू, अन्ना इज सेइंग इट्स बिकॉज ऑफ अस, आई थिंक अन्ना इज सो हम्बल टू से दोज वर्ड्स, बट ऑनेस्टली आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव अन्ना एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एंड I think after he's joining us, our business has grown up, and the way he's been like a family member for us, I think no actor in the Bollywood can exactly take his part. Anna, brand ambassador, he said your startup business is going up. How proud you feel? Oh, very, very, very proud. Because I've seen the brand grow. And ये नहीं कि you know I'm not just, मैं जब कुछ discuss भी करता हूँ, अभी छोटी सी चीज़ है, iPad के लिए कुछ नया product आया हुआ है, I said यू नो ये वी शुड यूज़ इट एज अ शूट स्टैंड, क्योंकि सब लोग रील बना रहे हैं, सब लोग कुछ कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है ये, यू नो, एंड जब एक प्रॉब्लम की सल्यूशन आप देते हो तो वो मास में बिकता भी है, क्योंकि सबको उसकी ज़रूरत है, तो इमिजिएटली आइडेंटिफाई करके हाँ वील इम्प्लीमेंट दैट, हम ऐसे ही करेंगे, तो जब कोई सुनता है इट फील्स गुड। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, बी इंडियन, बी वोकल अबाउट लोकल, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि एक लोकल ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड्स को, स्पेन में हो, दुबई में हो, जहाँ भी जाए, अफ्रीका में हो, जहाँ भी जाए, तो टफ कॉम्पिटिशन ही नहीं दे रहा है, उनको नानी भी याद दिला रहा है, विच इज़ अ ड्रीम फॉर एनी ब्रांड एंड दी पीपल बिहाइंड द ब्रांड। नाउ कमिंग बैक टू धारावी ब्रांड, अगर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, आई फील यू आर समवेयर डाउन द लाइन कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ दिस पीपल, दिस इज व्हाट आई मीन, इट कम्स इवन व्हेन यू प्रोग्रेस, व्हेन यू आर देयर द इमोशनल सीन, यू नो, इट गिव्स यू अ वाइब, इट गिव्स यू अ फील। Yeah, that's because that's what I believe family is all about. I've always believed, people have always said work is worship, then the family is God, then my father and my parents are my God and goddesses, and I've always kept family above everything. Industry mein bhi jab log kaam ke liye raat ko idhar udhar daudte the aur networking karte the, meri networking mere ghar mein hoti thi. I've enjoyed a 30-year career. पिछले 6-7-8 साल से आई थिंक आई वॉजन्ट इवन अराउंड, लेकिन मीडिया ने मुझे याद रखा, वही प्यार दिया, और आज जब धारावी रिलीज हो रही है, आई थिंक ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है, लोग थलाइवा ऑलरेडी बुलाने लग गए, विच इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट। और ये मैं यू नो जी स्टूडियोज़, MX शो, उन्होंने भी बिलीव किया कि
यार इतना बड़ा शो सुनील शेट्टी जो लापता है वो कैरी कर सकता है। एक 22 या 23 साल की लड़की सिनिका है जिसने डायलॉग्स लिखे इसके। आप हमेशा सोचोगे कि ये डायलॉग्स, यू एसोसिएट दिस ग्रैंडियर ऑफ डायलॉग्स टू एन अनीस बज़मी और रजत अरोरा या कोई बड़े राइटर्स, लेकिन ये एक यंग लड़की, एक लड़की जो धारावी की भाषा समझ के उसने वो लिखा हुआ है। प्रोस्थेटिक्स, हॉलीवुड के प्रोस्थेटिक्स नहीं थे, शायद सुनील शेट्टी था तो वो अफोर्ड नहीं कर सके, तो उन्होंने किसी लोकल लड़की को लेके ये करवाया और उसने जो प्रोस्थेटिक्स किए। सो आई थिंक ओवरऑल जब कुछ किसी चीज़ का चलना होता है, एक ऑनेस्टी होती है, वो चल जाती है। तो इट्स द इम्पैक्ट ऑफ मेरी फैमिली, क्योंकि आप अगर धारावी देखोगे, विवेक इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, सोनाली इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, बट माई फैमिली, मेरे जो बेटे हैं, दो बेटे हैं, मेरी 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 बहन है, मेरे जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो है, दे कम्प्लीट द थलाइवन फैमिली एंड धारावी। और हम दुनिया के, यू नो, आई ऑलवेज लाइक्ड नार्कोस, और मुझे लगा कि क्या वेब सीरीज है यार। लेकिन एक चीज़ मैंने जब थलाइवर इसकी कहानी में फ़र्क देखा, तो वो पूरे उसके पूरे सीजन्स में भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, पुलिस से डर कर, एनिमी से डर कर, बल्कि थलाइवा 15 या 20 साल वहीं 52 एकर्स के बीच रहे और पुलिस को कहा कि आओ मुझे ये करो। सो इट टॉक्स अबाउट द बिलीफ ऑफ द मैन कि ये जो बाकी घर है मेरे इर्द गिर्द, ये मेरे सैनिक है और कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये है। सो दैट ऑल्सो शोज कि जितना भी टेरर हो, उतनी उसकी रिलेशनशिप थे जो उसने बिल्ड करके रखा है। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे रिलेशनशिप्स काम आए हैं, बाकी कुछ नहीं। हाइज और लो भी रहा हूँ तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे वो हाई पे रखा, विच इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स, टेकिंग ईच अदर फॉरवर्ड। सो आई थिंक दैट्स वाई रिलेट टू दैट।